लखीमपुर खीरी निवासी मशहूर गायक सचिन वाल्मीकि व शुभम तिवारी ने लखीमपुर शहर के सदर चौराहे पर हो रहे कार्यक्रम के रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपना नया लॉन्च हुआ भजन गाया। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, सदर विधायक योगेश वर्मा, संघ अभिषेक सहित सदर कोतवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया बड़ा ऐलान, बोले बड़े चौराहे का नाम आज से होगा श्री राम चौराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलने लगे लखीमपुर के सदर विधायक योगेश वर्मा। सदर चौराहा बड़ा चौराहे के नाम से जाने वाले चौराहे का नाम दिया श्री राम चौराहा। लखीमपुर खीरी से पवन सक्सेना के साथ रितेश भसीन की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। चौराहे को लेकर आपने आज एक वो करा है घोषणा की, इसका नाम जो है बदला है, क्या जो है इसमें किया जाए? आज एकदम से मंच पे जब मैं वहाँ पे था, एकदम से विचार आया, हमारे संघ परिवार ने ये विचार दिया था, हमारे परिवार ने, तो उसमें ये लगा कि जब इतनी भव्य अयोध्या सज रही है, हर जगह उत्सव हर्षोल्लास का समय चल रहा है, तो हम लोगों ने एक बात सोची कि क्यों ना इस चौराहे का जो सदर चौराहा या बड़ा चौराहा कहा जाता है, इसको श्रीराम चौराहे से क्यों ना उसको सुशोभित किया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज मैंने घोषणा की है, और इसमें जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में हर व्यक्ति ने अपने समर्पण निधि दी, उस समर्पण निधि से जिस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें उसी की तर्ज पे मैं ये जो श्री राम चौराहा है, इस चौराहे को भव्य रूप देने के लिए मैंने नगरवासियों से अपील की है कि आप सब लोग अपने अपना सहयोग करें, भले 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो भी सहयोग करेंगे, उस सहयोग को लेके इस चौराहे को श्री राम चौराहे के नाम से आज मैंने घोषणा की है। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग लगेगा, जिससे कि उसकी भी आस्था लगे कि मैं श्री राम चौराहे पे यहाँ क्या उसकी जो है, और जो इसमें सौंदर्यीकरण भी होगा, स्तंभ वगैरह लगाया जाएगा, कैसे क्या? सौंदर्यीकरण भी होगा, इसमें स्तंभ भी लगेंगे, पूरा श्री राम चौराहा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा श्री राम चौराहा बना देंगे आप।